माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक दीपक जी, विभिन्न कॉलेजों से आए हुए शिक्षक और मेरी प्यारी बाल वैज्ञानिक, बहुत सुंदर आपका आयोजन है। मैंने तो पहली बार आपके प्रेजेंटेशन को देखा है कि इस तरीके से आप लोग प्रेजेंट करते हैं। समाज में बहुत ये ही नहीं कि हमको केवल दिए हुए विषय पर ही इस तरीके की चर्चा करनी चाहिए, बल्कि समाज की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हमें सर्वे करना चाहिए, और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किए हुआ सर्वे कभी कभी नीति निर्धारकों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो जाता है और उन्हें सोचने के लिए विवश कर देता है कि हमें इस क्षेत्र में अब कार्य करना है। तो बच्चों, एनालिटिकल सोच की बात है कि अगर डेफिनेटली अगर आपकी इस तरीके की सोच होगी, एनालिटिकल सोच होगी, साइंटिफिक सोच होगी, आप जीवन की किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कठिनाई में आप अपनी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं, और किसी भी प्रकार के प्रेजुडिस जो है वातावरण से आप प्रभावित नहीं होंगे और आप अपनी समस्याओं को बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। और एक साइंटिफिक सोच वाला व्यक्ति समाज के उन तमाम लोगों को भी प्रभावित करता है जिनके सानिध्य में वो रहता है। आप देखते हैं ना, बहुत आज भी गांव देहात, यानी कि मैंने तो शहरों में भी देखा है, अगर कोई बीमार हो जाता है सोचता है कि इसको नजर लग गई है, नजर उतारते हैं, फिर किसी को दिखाने जाते हैं कि ये झाड़ देगा, पीलिया झाड़ देगा, पता लगा पीलिया झड़वाते झड़वाते जो है व्यक्ति का लिवर ही खराब हो गया और व्यक्ति जो है मृत्यु के नजदीक पहुंच गया। तो आप जैसी सोच के बच्चे उन माताओं को, समाज के उन लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि अब हमें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सोचना चाहिए। तो आपकी सोच, आज 120 बच्चे हैं, कि निश्चित रूप से अगर बच्चों ने स्वयं काम किया, देखिए मेरा वही बात है, अगर आपने स्वयं काम किया है तो आपके अंदर एक एनालिटिकल सोच, एक अच्छा सर्वे करने की वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई है, तो डेफिनेटली कम से कम 120 परिवार तो जो है इस बात से प्रभावित होने ही होने हैं। तो समाज की हर वर्ग के बच्चे, और यहाँ तक कि मैं तो कहती हूँ चाहे ह्यूमैनिटीज का टीचर हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसको इस प्रकार का कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर सर्वे किया जा सकता है, और सर्वे करके, और देखिए समस्याएं तो मनुष्य जनित बहुत हैं, प्रकृति जनित कम होती हैं, मनुष्य जनित ज्यादा समस्याएं हैं, इनका निराकरण भी मनुष्य को ही ढूंढना होगा। तो उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का इसमें सहयोग अपेक्षित है, और बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं तो देख रही हूँ सुबह से बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चल रहा है, और दोनों तरफ जो है निर्णायक मंडल लगे हुए हैं कार्य करने में, और अगर हमारे दीपक जी इसी तरीके से कोऑर्डिनेट करते रहे तो फिर ये वर्कशॉप भी, मुझे लगता है ये प्रतियोगिता भी 2-3 दिन चला करेगी। तो कुछ इसी प्रकार का जैसा आज मैडम का एक संदेश भी है कि सभी स्कूलों में अगर सभी विज्ञान टीचर ये निश्चित कर लें कि हमको अपने डायरेक्शन में एक बच्चा या दो बच्चे तैयार करने हैं, तो यहाँ पर इस मेरठ में 300 से ऊपर तो माध्यमिक स्कूल हैं और अनगिनत बेसिक स्कूल हैं, अनगिनत आपके जो है पब्लिक स्कूल हैं। तो यहाँ कम से कम मेरी नजर में कम से कम 1000 बच्चा होना चाहिए था यहाँ पर, अगर हर स्कूल से बच्चा आ गया होता तो। ऐसी कोई मैसेज मैं तो आज कहूंगी कि ये संदेश जरूर जो है मीडिया के पास पहुंचना चाहिए कि सीडीओ मैडम का ऐसा कुछ विचार है, और सभी साइंस टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स इस बात पर विचार करें और बच्चों को इस तरीके से तैयार करने की कोशिश करें। आज अपने व्यस्ततम समय में से हमारी मुख्य अतिथि महोदय ने समय निकाला है, मैं उनके लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और विशेष रूप से इस आरजी इंटर कॉलेज में आने के लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों के लिए तो कार्यक्रम चलेगा, बच्चे और टीचर्स तो हमारे साथ हैं, आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं आप सभी को अपने मिशन में सफल होने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।